Find the image of the point 3, 8 with respect to the line x plus 3y equal to 7, assuming the line to be a plane mirror. एक प्लेन में एक लाइन दिया हुआ x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड एक पॉइंट दिया हुआ 3, 8 और इसका इमेज निकालना है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है तो इसका कुछ इमेज कुछ इधर बनेगा। मान लेते हैं ये पॉइंट Q है। अगर इन दोनों लाइन को अगर हम मिलाएं तो दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अगर ये लाइन मान लेते हैं L1 है तो L1 से PQ लाइन परपेंडिकुलर होगा और ये दोनों डिस्टेंस जैसे कि इसके बराबर हो, क्योंकि ये पॉइंट पॉइंट Q ये इमेज है P का, तो दिस डिस्टेंस और यू कैन से OQ इक्वल टू OP एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू L1। तो क्या लिख सकते हैं, L1 परपेंडिकुलर टू PQ एंड OP इक्वल टू OQ। इसका मतलब पॉइंट O इज मिड पॉइंट, इसलिए O इज द मिड पॉइंट हो गया। अब ए लाइन पता है, L1 पता है, तो PQ का हम स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लोप ऑफ टू लाइन्स इफ दे आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -1 m1 × m2 -1। तो m1 यहां से निकल जाएगा तो x प्लस 3y इक्वल टू 7, तो 3y इक्वल टू कितना -x + 7, तो y इक्वल टू कितना -1/3x + 7/3। तो m1 कितना हो गया, m1 इक्वल टू हो गया -1/3। इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो गया -1/3 × m2 = -1, इसलिए m2 इक्वल टू कितना हो गया 3। तो PQ का स्लोप तो निकल गया, PQ का स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू 3। अब स्लोप निकल गया, स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू 3 है और ये पॉइंट दिया हुआ है P का, तो हम इस PQ का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया, y − y1 कितना हो गया 8 / x − x1 3 इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन PQ कितना हो गया 3। तो इससे निकल जाएगा तो क्या हो गया 3x − 9 = y − 8, तो 3x − y = 9 − 8 = 1। ये हो गया आपका, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 है और ये जैसे इक्वेशन 1 है जो ये लाइन दिया। तो अगर इन दोनों का हम सोल्व करेंगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा O। तो सोल्व करते हैं एक, तो एक क्या हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया 3x + 9y = 21, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हम इक्वेशन 1 में और ये हो गया 3x − y = 1, ये हो गया माइनस प्लस ये हो गया माइनस, ये से कट गया तो 10y = 20, इसलिए y = 2। y का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू निकल जाएगा, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो 3 × 2 = 7, इसलिए x = 7 − 6 = 1। तो पॉइंट O निकल गया, पॉइंट O का कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया 1, 2। अब चूंकि पॉइंट O जैसे कि मिड पॉइंट है PQ का, ठीक है, लेट से अगर पॉइंट Q को मान लेते हैं x1, y1, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अब वो जो ऐसे कि मिड पॉइंट है और P दिया हुआ है और Q है, तो वो क्या हो गया x1 + 3/2 = 1 होगा ये, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट, एंड 8 + y1 / 2 = कितना होगा 2। तो इन दोनों से हमें x और y निकल जाए, तो यहाँ से क्या हो गया x = 2 − 3 = −1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और फिर राइट चल जाएगा, ये कितना हो गया y1 = 4 − 2 × 2 = 4 और ये 8 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू कितना हो गया -4। तो ये कितना आ गया, P का वैल्यू कितना आ गया x1 और y1, यहाँ से ये x1 है तो x1 y1 कितना आ गया -1, −4। तो इमेज क्या हो गया इस पॉइंट का, इस पॉइंट का इमेज Q हो गया −1, −1, −4, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।